वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ मारूजी सवालात करेंगे जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल है वो है, उर्दू नशर व नज़्म के नमूने हमें किस सदी में मिलना शुरू हुए? नश्म और नसर क्या होता है? काव्य और गद्य। पहला इसमें है 15वीं सदी में, सेकेंड है 10वीं सदी में, थर्ड है 12वीं सदी में, या फिर फोर्थ है 11वीं सदी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, 15वीं सदी में उर्दू नज़्म और नशर के नमूने हमें मिलना शुरू हुए। सेकेंड क्वेश्चन है, सैयद गेसु दराज का इंतकाल कब हुआ? सैयद गेसु दराज कौन थे? सैयद गेसु दराज वो शख्स हैं जिन्होंने उर्दू नशर की सबसे पहले किताब लिखी। इनकी किताब का नाम है मेराजुल आशिकीन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सैयद गेसु दराज का इंतकाल कब हुआ? सैयद गेसु दराज का इंतकाल 1827 में इनका इंतकाल हुआ था। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तूती नामा कब मुरत्तब किया गया? मुरत्तब यानी कि इंग्लिश में कंपाइलेशन जिसे बोलते हैं। तो तूतीनामा क्या है? तूतीनामा एक पुस्तक का नाम है। तो तूतीनामा कब मुरत्तब किया गया? पहला ऑप्शन है 18वीं सदी में, सेकंड ऑप्शन है 15वीं सदी में, सी ऑप्शन है 10वीं सदी में, या फिर डी ऑप्शन है 12वीं सदी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली में, सेकंड है बम्बई, या फिर थर्ड है कलकत्ता, या फिर फोर्थ है आगरा। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता। विलियम कॉलेज कलकत्ता शहर में कायम किया गया। अगला क्वेश्चन है, बागू बहार के मुसन्निफ का नाम बताइए, मुसन्निफ यानी कि राइटर का नाम बताइए। पहला है मीर अमन, सेकेंड है रशीद अहमद सिद्दीकी, थर्ड है सौदा, या फिर फोर्थ है गालिब। तो बागो बहार के मुसन्निफ का नाम है मीर अमन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन सही होगा। अगला सवाल है, उर्दू सरकारी जबान कब बनी? पहला ऑप्शन है 1832 में, सेकंड है 1837 में, सी ऑप्शन है 1835 में, या फिर डी ऑप्शन है 1847 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1835 में उर्दू सरकारी जबान बनी। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में से कौन नावल निगार नहीं है? यहाँ पे पहला दिया है, सेकंड दिया है मिर्ज़ा गालिब, थर्ड दिया है प्रेमचंद, फोर्थ दिया है क्रिंचचंद। मिर्ज़ा गालिब नावल निगार नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, मिर्ज़ा गालिब नावल निगार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किताब सब रस किस सन में लिखी गई? किताब सब रस 1635 में लिखी गई, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है करेक्ट है पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नज्म के लघवी मायने क्या है? पहला है औरतों से बातचीत करना, सेकंड है मोती प्रोना, थर्ड है शेर व शायरी, या फिर फोर्थ है शऊर। नज्म के लघवी मायने होते हैं मोती प्रोना, यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कलाम मौजू किस से मुराद है? पहला है शेर से, सेकंड है शायरी से, थर्ड है गज़ल से, या फोर्थ है नज़्म से। कलाम मौजू शेर से मुराद है, यहाँ पे जो ऑप्शन वन दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ शेर किस से बना है? पहला है शायरी से, सेकंड है शायर से, थर्ड है शऊर से, या फिर फोर्थ है शौरा से। लफ्ज़ शेर शऊर से बना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शेर के मायने क्या है? शेर के क्या मायने होते हैं? पहला ऑप्शन है जानना, सेकंड ऑप्शन है वाकफियत, थर्ड जो ऑप्शन है वो है जानना या वाकफियत रखना, या फिर फोर्थ है शायरी। शेर के मायने होते हैं जानना या वाकफियत रखना, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, जिसमें ए ऑप्शन भी इन्वॉल्व होता है और बी ऑप्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी।
अगला क्वेश्चन है, शेर और शऊर ये दोनों किस जबान के अल्फाज हैं? पहला है अरबी, सेकंड है फारसी, थर्ड है उर्दू या फिर फोर्थ है हिंदी। शेर और शऊर ये दोनों, ये जो दोनों अल्फाज हैं ये अरबी जबान के हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन वन दिया है वो करेक्ट है। अगला सवाल है, शेर में किस चीज़ का होना ज़रूरी है? पहला है उर्दू जबान का, सेकंड है काफिया और वजन का, थर्ड है प्यार व मोहब्बत का या फिर फोर्थ है मौजू का। शेर में काफिया और वजन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शायरी की मुख्तलिफ किस्मों को क्या कहते हैं? पहला है गज़ल कहते हैं, सेकंड है रुबाई कहते हैं, थर्ड है इसनाफ़ सुखन कहते हैं या फिर फोर्थ है शायरी कहते हैं। शायरी की मुख्तलिफ किस्मों को इसनाफ़ सुखन कहते हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में इसनाफ़ सुखन कौन है? पहला है कसीदा, सेकंड है गज़ल, थर्ड है मर्शिया या फिर फोर्थ है ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है ऊपर के सभी, गज़ल कसीदा मर्शिया सभी इसनाफ़ सुखन है। तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन फोर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा।